सभी को जय धराम। आज सुबह सुबह का व्यायाम है, बिहान कर व्यायाम है और अब साक्षात देख रहे हैं कि पूरे धर्म विश्वासी आदिवासी समाज के आज सीता सीता का दर्शन करने के लिए आए हुए, काफ़ी भीड़ों की संख्या में हैं और बीचों बीच पहाड़ के बीच में हैं और एक भाई साहब खड़े हैं जब हम करके और भी काफ़ी इधर हमारे रंजीत भाई साहब हैं जो कि सुबह सुबह दर्शन करते हुए और हमारे प्रोफेसर साहब जो अभी पधार रहे हैं और साक्षात आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर खूबसूरत और पहाड़ों के बीचों बीच हमारे आज आदिवासी का यह धर्म स्थल सीता सीता और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने के लिए पूरा एकदम। और कुछ लोग यहाँ पर दोपहर ठंडा ठिठर गए हैं कि आग तपा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच में इस जगह पर है। और किसी को कुछ बोलना है रंजीत भाई, कुछ बोलना है आदिवासी समाज को कुछ समझ में क्या बोले, ब्रश करते हुए कुछ संदेश देते हैं तो दीजिए आप समाज को। अभी अभी यहाँ है, अच्छा लग रहा है, और बहुत से गाड़ी है अभी देख सकते हैं, कम से कम यहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर खाली गाड़ी का लाइन लगल है अब देख सकते हैं। अच्छा हम बताएंगे ना, और यहाँ आदिवासी समाज का देख सकते हैं एक से एक महंगा महंगा गाड़ी लेके भी आए हैं, इनोवा है, बड़ा बड़ा बांस लेके आए हैं और ये भाई साहब बाल्टी लेके जा रहे हैं सुबह सुबह, कहाँ वही बता पाएंगे। और काफ़ी लोग अभी देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का बेरा है और हमारे बुजुर्ग साहब जो है कि बहुत सुंदर अभी रास्ता में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ बाबा, बोगड़ी पगड़ी बांध के, और भी इधर धर्म विश्वासी भाई लोग पूरा सांड जैसा चल रहे हैं। एक भाई साहब जय धर्म बोल रहे हैं सुबह सुबह दतुल करते हुए, और इधर देखिए बुजुर्ग लोग, दादी लोग, नानी लोग, मामी लोग, बहन लोग, सब कोई जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और बहुत सा भी आप लोगों को बीच में दर्शन कराएंगे हमारे आज पूरे समाज आदिवासी समाज अपना एक धरोहर सांस्कृतिक पूर्वज का बताया हुआ एक जगह है वहाँ पर, और बहुत सुंदर लाल लाल रंग का बुलरो है, बुलरो में देखो काफ़ी बैठे हुए हैं और दरवाज़ा बंद करके, और ये हमारे जैना साहब जी हैं और इधर हमारे ये भाई साहब हैं, नाम नहीं पहचान रहे, पूरे चेहरा को ढक लिया है, लेकिन लेकिन, लेकिन बाद में सो मिलाएंगे रूबरू कराएंगे। अभी दर्शक को साक्षात आप देख सकते हैं सीता सीता का दर्शन करने के लिए सारे लोग आए हुए हैं और यूट्यूब के माध्यम से दिखाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल एमके राज उराव को आप शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप लोग का हम लोग बीच प्रत्येक बीच में मनोरंजन के लिए बहुत सारा दर्शन कराते रहेंगे। और रहा सवाल गाड़ी का, आप देख सकते हैं बड़ा से बड़ा और बड़ा से भी बड़ा बस, एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख सकते हैं पूरा एंटरटेनमेंट के साथ में, एंजॉय के साथ में। और कुछ कुछ हमारे लोग भी रात में इन लोग को थोड़ा कम दिख रहा था जिसके चलते रास्ता लोग भटक गए थे, अभी वही लोग को ढूंढ रहे हैं। काफ़ी लंबा संख्या में गाड़ी आप देख सकते हैं और ये बहुत सारे लोग आए हैं, पहचान नहीं है, लेकिन हमारे धर्म विश्वासी भाई लोग, बहन लोग, पूर्वज लोग, सब कोई है छोट बड़। और हमारे ये उमेश भाई साहब जा रहे हैं टोपी पहन के, और साक्षात आप बांस में देख रहे हैं, सब उतर के बड़ा बड़ा दांत को चिकन कर रहे हैं और करे लायक हथिन और हिन्ने भी बैठल हथिन, और सबके बड़का बड़का डंटा डंटा ले ले आए हैं बतू मन के करे ले, और हम इनका कने बांस में हरा जा रहे हैं, सेह मन भी आना है कि नहीं आना है खोजे लायक ही। और सबको यूट्यूब के माध्यम से खूब देखवा मनोरंजन करवा, उतरे लायक है गाड़ी में, हम इनको देखे मन हरा रहा है, हरा गए हैं बहुत मुश्किल में, कौन हरा जा रहा तोहरे मन पीछे सुबह मैंने गाड़ी से उतरा था और बुलरो आवा था रास्ता खाली करा, एक में बहुत से ऐसे संख्या भी लेके आवा था, और हमारे अगुआगण जो कि गुम हो गए थे आ गए, कुछ कहना चाहते हैं आप कहाँ गुम हो गए थे, टोपी उघाड़ी ढेकी टोला में, अच्छा जब हमको लोकेशन भेज दिए थे तो कहे भूल गए जी, अरे यहाँ एक बार नहीं बार बार आए हैं, वही वाला भेजा जी उसी को देख आए आप देख सकते हैं, हाँ भुला जाते हैं, अच्छा बात नहीं है। और अभी बीच में और महावीर जी को पूछे उसके बाद में
फिर बात हुआ तब फिर और फिलहाल के लिए अभी ये आप लोग का नाश्ता पानी है सुबह सुबह में, और बाकी का जो सीन होगा सबको फिर दिखाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। फिर तो को जमा जमा झारखंडी जोहार है, जय धर्म।